हाँ बेटा, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना है इधर। पहले तो ये जब बुक उठाओगे, आपके पास जो बुकलेट है उसमें तो ठीक है, बाकी जो टीएस ग्रेवाल है उसमें क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, तो आप यहाँ से ध्यान से देखना। कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ ₹12,500। कैश बुक में जो बैलेंस आ रहा है, कैश बुक का जो अकाउंटेंट ने कैश बुक बनाया है उसमें जो बैलेंस देख रहे हैं, ये बैलेंस कैश का बैलेंस नहीं है। किसका बैलेंस है? ये बैंक का बैलेंस। कैश बुक में कौन से कॉलम की बात करते हैं हम लोग? बैंक की। तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम है उसमें बैलेंस कितना आ रहा है बेटा? 12,500। ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक, जब हमने कैश बुक को पासबुक से कंपेयर किया, जब कैश बुक को किससे कंपेयर किया? पासबुक से, तो फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। ये डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है डिफरेंसेस। जब कैश बुक और पासबुक को मैच किया तो कुछ डिफरेंसेस आए हैं, ये टोटल ये कुछ डिफरेंसेस हैं। क्वेश्चन ने बोला प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन डिफरेंसेस को हमें रिकनसाइल करना है बेटा, बैठ के चेक करना है कि कैश बुक वाले ने क्या किया, इस ये जो ट्रांजेक्शन था उसमें कैश बुक वाले ने क्या किया, पासबुक वाले ने क्या किया, फिर दोनों को मैच करने की कोशिश करनी है। क्लियर है? तो पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा फॉर्मेट क्या होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट डेट बनता है। एज एट डेट का मतलब होता है कि जैसे आपने 30 तारीख चुन लिया कि भाई 30 तारीख को हम कैश बुक और पासबुक को बैलेंस मैच करेंगे, तो कोई एक एग्जैक्ट डेट होगा, उस डेट को बैठ के आप बैलेंसेस को मैच कर रहे होंगे, तो ये डेट वहाँ पे आएगा। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो ये डेट आप यहाँ पे लिखेंगे। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज अ डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस और माइनस। अभी क्या करना है, सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो बैलेंसेस गिवन है, क्या गिवन है? बैलेंसेस। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बैलेंस गिवन था, और वो बैलेंस क्या था, किसका था बेटा? तो वो बैलेंस गिवन था शो बुक, कैश बुक शो अ बैलेंस ऑफ ₹12,000। ये बैलेंस किसका गिवन है? कैश बुक का। बेटा इधर देखो, आप मत करना, पहले मैं कर दे रहा हूँ, पहले ध्यान से देखना। कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का जो भी बैलेंस होगा वो मैंने लिख दिया। अब वो बैलेंस कितना था? 12,500। अब प्लस में लिखो या माइनस में, तो ये डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे, सिर्फ उनमें लिखा हो वो कैश बुक का बैलेंस है तो आप प्लस में लिख देना। अगर वो लिखते हैं कि कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, क्या लिखा हुआ है? ओवरड्राफ्ट, तो माइनस में लिखना। ठीक है जी? अगर वो लिखते हैं फेवरेबल है, फेवरेबल समझते हैं, फेवरेबल मतलब प्लस में है, तो उसे कहाँ लिखना? प्लस में लिख देना। अनफेवरेबल बोले तो माइनस में लिख देना। डेबिट बैलेंस बोले तो प्लस में लिख देना। क्रेडिट बैलेंस बोले तो माइनस में। अच्छा, ये क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा जो बात मैं बोल रहा था अभी। हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, फेवरेबल, अनफेवरेबल, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन में तो सर कहीं पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ना डेबिट, ना क्रेडिट, ना पॉजिटिव, ना नेगेटिव, ना फेवरेबल, ना अनफेवरेबल, तो कहाँ लिखें बेटा? हमें फिर प्लस वाले में हमेशा बैलेंस को लिखना होता है। इसका मतलब है कि कैश बुक का बैलेंस पहले से कितना है बच्चे? 12,500 रुपये। अब आएंगे एक एक करके जो जो ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है चेक्स इशूड। क्या लिखा हुआ बेटा? चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो बेटा पहले क्या करना, ये जो लाइन गिवन है ना, इसको एज इट इज नोट कर लेना। यहां पे आप लिखोगे चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर है? अब यहां पे एनालाइज करना है कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट का क्या मीनिंग है। तो आपको क्या करना है, दो बातें सोचनी कि यहाँ पे दो अकाउंटेंट है, एक अकाउंटेंट कैश बुक में लिख रहा है, दूसरा अकाउंटेंट कहाँ लिख रहा है बेटा? पासबुक में। तो पहली बात कि जब चेक इशू हुआ, क्या हुआ बेटा? अब सोचो कि चेक इशू करने का काम किसका है? चेक इशू मतलब चेक से पेमेंट हुआ है। इशू मतलब है किसी राम को, श्याम को, मकान मालिक को, किसी को आपने चेक दिया है। जब आप चेक देते हैं तो चेक आप काट के किसी को दे रहे होते हैं तो उसका काम किसका है वो देना चेक?
कैश बुक के अकाउंटेंट का, ऑफिस के अकाउंटेंट का, या बैंक में जो बैठा हुआ अकाउंटेंट उसका? तो कैश बुक का अकाउंटेंट अपने हिसाब में क्या लिखेगा जब किसी को चेक दे देगा, तो क्या लिखेगा कि कैश बुक बढ़ गया या घट गया? सर क्या लिखेगा? सर घट गया। और प्रेजेंट रो, यहीं पे ध्यान देना, क्या लिखेगा बेटा? वो माइनस हो गया, वो लिख रहा होगा 6000 क्या हो गया? माइनस। अब बताइए नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड का मतलब होता है पहुंच जाना, नॉट प्रेजेंटेड मतलब जिसको मैंने चेक दिया था वो बैंक में अब तक पहुंचा ही नहीं है। बैंक में जिस बंदे को मैंने चेक दिया था, राम को, श्याम को, मोहन को, जिसको भी चेक दिया था, वो अब तक बैंक पहुंचा ही नहीं। तो क्या बैंक के अकाउंटेंट ने बैंक में से, पासबुक में से, या बैंक के अकाउंट में से कुछ प्लस माइनस किया है? बोलो सर, कुछ किया है? उसने कुछ भी नहीं किया। तो हमने ये पहले, कोई भी ट्रांजैक्शन मिलेगा सबसे पहले आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि किसने क्या एक्टिविटी करी है। चेक इश्यू करना मतलब कैशबुक के अकाउंटेंट ने माइनस कर दिया पासबुक में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे बताओ कौन किसकी तरह बनना चाहता है? इस बात का डिफरेंस कैसे मालूम चलेगा? जो फर्स्ट लाइन होती है ना, बैलेंस एज पर कैशबुक, इसका मतलब है कि कैशबुक का जो बैलेंस है उसको मुझे किसकी तरह बना के दिखाना है बेटा? बोलो, पासबुक की तरह। कैशबुक के बैलेंस को किसकी तरह बनाना है? पासबुक की तरह। तो बताइए मुझे भी जीरो करना है कैशबुक को, कैशबुक को भी क्या करना है? जीरो करना है। तो बताइए मैं क्या करूंगा? किसमें? कैशबुक में। भाई जिसके अंदर जो किस, कौन चाहता है चेंज करना? कैशबुक चाहता है, तो चेंजेस कैशबुक में लाएंगे। और नालायक तुम कह रहे हो पासबुक में चेंज करेंगे। बेटा जो जिसका बैलेंसेस गिवन होता है ना, चेंज उसको करना होता है, उसको दूसरे की तरह बनाना है। ये बैलेंस कहाँ गिवन है? सर फर्स्ट लाइन। ये बैलेंसेस जो गिवन है ना, इसको बनाना है इसकी तरह। तो कैशबुक को पासबुक की तरह बनाना है, तो कैशबुक माइनस में 6000 है, ये जीरो है, मुझे भी इसको जीरो करना है। मैंने कसम खाई है कैशबुक को पासबुक की तरह करूंगा, बताओ क्या करूं? प्लस में क्या करूं? 6000 मैं प्लस कर दूंगा। ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया, समझ में आई बात? तो सर यहाँ पे जाके चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वाले लाइन में 6000 रुपये मैं किस में लिख दूंगा बेटा? प्लस में। समझ में आया नहीं आया? चलो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेकंड पढ़ते हैं सर। चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, मैं सेकंड यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। सर दो अकाउंटेंट, एक कैशबुक को लिखता है, दूसरा अकाउंटेंट किसको लिखता है? चेक डिपॉजिट हुआ, बताओ किस अकाउंटेंट ने लिखा सबसे पहले? डिपॉजिट कौन करता है? पहले आराम से सोचो, तुम कोई पासबुक कोई कैशबुक कह रहे हैं, पहले सोचो तुमने कभी बैंक में चेक जमा किए? तो बैंक वाला पहले लिखेगा या तुम लिखोगे? भाई जमा तुम करने जा रहे हो, तुम्हें पता है ना बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ेगा? बैंक वाला तो तब लिखेगा जब उस बैंक में कलेक्ट हो जाएगा, जब क्लियर हो जाएगा वो चेक। तुम चेक किसी को काटोगे वो भी तुम ही लिखोगे, जब तुम बैंक में जमा करोगे तो कौन लिखेगा? भाई हमारा जो अकाउंटेंट ऑफिस में बैठा हुआ है वही लिखेगा ना। तो चेक डिपॉजिट करने का काम किसका है? ऑफिस के अकाउंटेंट का या बैंक के अकाउंटेंट का? और कलेक्ट करने का काम किसका? बैंक के अकाउंटेंट का। समझ में आई बात? डिपॉजिट करने का काम ऑफिस के अकाउंटेंट का, कलेक्ट करने का काम बैंक के अकाउंटेंट का। तो बताइए जब ऑफिस के अकाउंटेंट ने डिपॉजिट किया तो उसने कहाँ लिखा? कैशबुक में या पासबुक में? कैशबुक में प्लस किया या माइनस? क्या किया? सब कह रहे प्लस किया, इसलिए प्लस किया। सर आपने कोई चेक बैंक में जमा किया है तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ेगा या घटेगा? तो भाई आपका जो ऑफिस में बैठा हुआ अकाउंटेंट है वो क्या कर रहा है कैशबुक में? प्लस। क्या वो कलेक्ट हो गया? अगर कलेक्ट हो जाता तो बैंक का अकाउंटेंट भी क्या कर देता? प्लस कर देता। कलेक्ट हो जाता तो बैंक का अकाउंटेंट भी मेरे अकाउंट में पैसे क्या करता? प्लस कर देता। लेकिन क्या कलेक्ट हुआ है? नहीं हुआ। तो इसने कुछ किया? इसने कुछ भी नहीं किया। बस समझ आ रही है? तो अब अगर इसको इसकी तरह बनना है, कैशबुक को किसकी तरह बनना है? पासबुक की तरह। इसने प्लस कर रखा है सर कितने का? 9000 रुपये। भाई कैशबुक पासबुक की तरह बनना चाहता है, जीरो होना चाहता है, क्या करेंगे? माइनस में 9 कर देंगे, ये भी जीरो हो जाएगा।
क्लियर है सर? तो BRS में यही ध्यान रखना है कि बस कैश बुक के अकाउंटेंट को या पासबुक के अकाउंटेंट को सेम करना होता है, ये BRS का काम। तो सर इसमें माइनस कर देंगे ना, सेकंड पॉइंट पे आएंगे गुरुजी। क्या था बताओ तो, सेकंड पॉइंट में क्या लिखता है? चेक्स, चेक्स डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड इन द बैंक, इन द बैंक बट नॉट इन द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, कितना बेटा? 9000। क्या करूं? माइनस कर दूं। आप बस नहीं, ये यहां ध्यान रखना, कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक हमेशा किसकी तरह बनना चाहेगा? पासबुक की तरह, यानी बैंक की तरह। बैंक ने प्लस किया तो हम भी प्लस, बैंक ने माइनस किया हम भी माइनस, बैंक ने कुछ नहीं किया हमें भी कुछ नहीं करना, हमें बस बैंक की तरह सोचना है। बैंक ने कुछ नहीं लिखा, अच्छा चलो जी मैं भी कुछ नहीं लिखूंगा, बैंक ने प्लस किया तो मैं भी प्लस करूंगा, हमें दोनों को साथ साथ करना है, कोई अपोजिट अपोजिट नहीं करते हम लोग। क्लियर है सर? चलिए जी थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं फटाफट। आओ सर थर्ड पॉइंट ध्यान से देखना। बैंक पेड इंश्योरेंस, किसने पे किया? बैंक ने। वापस से आता हूं मैं यहां पर लिखता हूं फिर से, एक कैश बुक का अकाउंटेंट है, दूसरा किसका अकाउंटेंट है? बताओ बैंक पेड। साफ साफ चीख चीख कर क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक ने पे किया है, बैंक ने पे किया इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब भाई जैसे बिजली का बिल बैंक से पे नहीं हो जाता, पेटीएम वगैरह में तो ये ऑप्शन आता है कि आप पहले से फिक्स कर दो डेट, आपका बिल पे हो जाएगा। तो ऐसे ही बैंक वालों ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया हमारा, तो मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ाए होंगे या घटा दिए होंगे? घटा दिए होंगे। बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे काट लिए होंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उसने। क्या कैश बुक के अकाउंटेंट को इसकी खबर है? भाई हम मान के चलते हैं कोई भी हमारे पास बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी इंटरनेट बैंकिंग नहीं है। आप BRS पढ़ते वक्त इस बात को दिमाग में रख लेना, इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग नहीं है, वरना तो अगर कोई पैसे कटते तो फटाक से मालूम चल जाता, मालूम चलता ना? नहीं समझे बात? लेकिन अगर इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने डिडक्ट किया तो बैंक को तो पता है, हमें तो पता ही नहीं चला। yes, भाई मोबाइल बैंकिंग है थोड़ी ना, हमें तो मालूम ही नहीं। मैं समझा नहीं बात को बेटा। अब के जमाने में मैसेज आ रहा है ना, पहले मैसेज का सॉफ्टवेयर नहीं था सर, सॉफ्टवेयर भेजता था ना, इंटरनेट के थ्रू आता है ना, पहले नहीं आता था। पहले चेक वेक क्लियर होने के कोई मैसेज वैसेज नहीं आते थे। तुम अपने आप को ये समझ लो, हमारा सिलेबस बहुत पीछे, अपने आप को 10 साल पीछे ले जाओ। सोचो बैंक ही नहीं, बैंक है लेकिन सिर्फ पासबुक से पता लग रहा है प्रिंट करवा के, बाकी कुछ नहीं हमें खबर है। जब तक पासबुक प्रिंट नहीं करते तब तक मालूम ही नहीं चलता हमें। तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, बैंक ने तो माइनस कर दिया, हमें पता ही नहीं कि बैंक में क्या हुआ। जब पासबुक प्रिंट कर रहे तो देख रहे हो बैंक ने माइनस करा था कितना, 5000 रुपये। मुझे बताओ कैश बुक के अकाउंटेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है, अभी कौन किसकी तरह बनना चाहते हैं? अब देखो बेटा पासबुक कैश बुक, कैश बुक पासबुक नहीं बनते, हमेशा पहली लाइन पढ़ते हैं, बताओ किसका बैलेंस है बोलो। तो इसका मतलब कैश बुक बनना चाहता है किसकी तरह? अब पूरे क्वेश्चन में एक ही होगा, ऐसा नहीं हर बार चेंज हो जाएगा। तुम ये मत सोचना यहाँ वैल्यू लिखी हुई इसका मतलब ये इसकी तरह बनना चाहता है, यहाँ वैल्यू ये इसकी तरह बनना चाहता है, यहाँ वैल्यू तो ये इसकी तरह बनना चाहता हूँ, नहीं। तुम्हें देखना पड़ेगा पहली लाइन को, फर्स्ट किसका बैलेंस गिवन है, जिसका बैलेंस गिवन है इसका मतलब वो बनना चाहता है दूसरे की तरह, उसके हिसाब किताब को मैच करना है दूसरे से। सर सर समझ में आ रहा है सर? तो कैश बुक के बैलेंस को किससे मैच करना है? अब बताओ ये जीरो है और ये माइनस 5000 है, मुझे सेम करना है, बताओ क्या करूं? बेटा यहीं ध्यान दो, ज्यादा दिमाग मत तोड़ो, बिल्कुल यहीं पे ध्यान दो, सेम करके दिखाओ मुझे, बताओ भाई। नहीं समझ में आया साजिद? सर ये जीरो है, ये क्या है? मुझे चीटिंग मार रहा हूं मैं, यहाँ पे भी वही लिखना है जो इसने लिख रखा, मैं क्या लिखूं? इसने क्या लिख रखा है बेटा, तो मुझे भी क्या लिखना पड़ेगा, तभी तो सेम होगा भाई। तुमने माइनस किया, मैंने माइनस किया, तभी तो आंसर सेम आएगा। अब तुमने माइनस किया मैं प्लस कर दूंगा, सेम कैसे आएगा?
हाँ कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम चलना है सर, जैसा सामने वाले ने किया वैसे दूसरे वाले को करना है। अभी सेम हो जाएगा। चलो जी सेकंड पॉइंट, ये थर्ड था ना, कौन सा था ये? थर्ड था। चलो थर्ड की लाइन देख के बताओ बुक में से क्या लिखूं, फटाफट पढ़ो। बैंक पेड इंश्योरेंस, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या करना था बेटा इसमें? माइनस में 5,000 रुपये लिखने हैं। बात समझ में आ गई? बताओ कोई डाउट है? चलो जी थर्ड के बाद आते हैं फोर्थ पे। देखो अभी भी डाउट रहेगा आपको बोलना पड़ेगा, हो सकता है आपके दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी खिचड़ी बन रही हो। हाँ जी 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 देखो जब भी आप ट्रांजेक्शन को लिखोगे ना तो आप अपना ध्यान रखना कि दो चीज़ें लिखनी होंगी। आप फिफ्थ पे ध्यान देना, फोर्थ पे इधर देखो, ये दो चीज़ मैंने पहले लिख ली, कैश बुक और ये रफ है। जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ बैंक चार्जेस का मीनिंग क्या समझते हो? बैंक ने मतलब क्या, प्लस करा माइनस किया तुम्हारे अकाउंट में? ये देखो ये समझा रहा है मेरे को कि बैंक ने पैसे काट लिए, मैंने बोला प्लस किया है माइनस, तो कह रहा प्लस नहीं माइनस किया है सर, क्या किया है? माइनस, किसने माइनस किया? तो बैंक में माइनस हुआ यही मतलब है ना? अरे बैंक में माइनस हुआ इसका मतलब यही है। कितना माइनस हुआ देख, 8,000 बोल रहा नालायक, कितना माइनस हुआ? अब मुझे बताओ कि कैश बुक के अकाउंटेंट को इस बात की खबर है क्या? भाई कोई मैसेज थोड़ी ना आता है, हम तो 10 साल पुराने वाली जिंदगी जी रहे हैं, कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास। बैंक ने डिडक्ट कर लिया, ये बेचारा वहीं का वहीं बैठा हुआ, इसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। अब बताओ इसको बोला मैंने यार क्या कर रहा है, तू इन दोनों को सेम कर, दोनों को सेम कर, बता इसने -300 किया, इसको भी क्या करना पड़ेगा? तो खो गया यार। भाई किसी की याद आए तो क्वेश्चन के बाद लाया कर, क्वेश्चन के बीच में मत लाया कर। चले आगे? नहीं नहीं मम्मी पापा भी हो सकते हैं, तुम यार कुछ भी गलत ले लेते हो। हाँ मम्मी पापा को दिन भर याद कर रहे हैं तुम, तो सुधर नहीं जाते। चलो फोर्थ पॉइंट, बच्चे अगर मम्मी पापा को याद करें ना तो फिर तो भाई दिन भर पढ़ता वही दिखेगा। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस में कैश बुक को पासबुक की तरह बनाना है तो बिल्कुल बैंक की तरह करना है। 300 रुपये क्या करना है सर? माइनस। आइए सर फिफ्थ पे, गुरुजी वो उसको देख के कुछ नहीं होगा, अभी जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप। नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं है सर, सर कोई मतलब नहीं उसका। आओ जी डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई, ध्यान से सुनो, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर्स। तो भाई यहाँ पे आते हैं, पॉइंट नंबर है हमारे पास 4, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई कस्टमर। ध्यान से सुनो, डायरेक्टली डिपॉजिट का मीनिंग समझो, बैंक अकाउंट में आपका कस्टमर, हम कंपनी है तो हमारा कोई कस्टमर है जिसने डायरेक्टली बैंक में मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। आज के डेट में कोई डालेगा तो मैसेज आ जाता है, कोई पेटीएम करता फटाक से मैसेज आता है, लेकिन हम आज वाली जिंदगी में है क्या? हम तो पिछले 10 साल पहले ही में। बताओ बैंक में किसी ने पैसे डाले, क्या अकाउंटेंट जो ऑफिस में बैठा हुआ उसे मालूम चलेगा? बैंक वाले को तो पता चला ना, बताओ मेरे अकाउंट में ये प्लस करेगा या माइनस? ये प्लस करेगा। क्या इस बेचारे को खबर है? इस अकाउंटेंट को पता ही नहीं, ये तुम हो नालायक हो, ये तुम हो, हाँ ये तुम ही हो, ऑफिस में बैठे हुए हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा बैंक में हो क्या रहे। कितना प्लस हुआ बैंक में? बैंक में 8,000 रुपये प्लस हो गए सर। कितना प्लस हुआ? अब मुझे बताओ अगर मुझे इसको इसकी तरह बनाना है, किसको बोलो? तो कैश बुक को भी क्या करना पड़ेगा? प्लस 8,000। अब बार बार ये मत बोलना सर आप इसी को इसकी तरह क्यों बना रहे हो। ये चीज जो जिसके बैलेंस दिए रहेंगे, जिसका बैलेंस दिया रहेगा उसी को दूसरी की तरह बनाना होता है हमेशा। तो भाई हाँ सर, अगर पासबुक का दिया होता तो पासबुक को कैशबुक की तरह बना रहे होते हैं। बड़ा समझदार बच्चा है यार ये।
चलो लाइन बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाई अ कस्टमर। चलो तुम खुश रहो, जो तुम बोलोगे वही लिख दे रहा हूँ। वैल्यू बोलो 8000 माइनस में, प्लस में। अब आइए सर सिक्स पॉइंट पे आ जाते हैं। आओ सर, आओ सर, आओ सर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई, पहले मीनिंग समझो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है आपको, आ रहा है, उसे कलेक्ट कौन कर रहा है? बैंक। बैंक अगर कलेक्ट करेगा तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ाएगा या घटाएगा? बढ़ाएगा ना। मैं बोलूं यार ऐसा करो फीस कलेक्ट कर दो, तो आप पैसे इकट्ठे करके मुझे दोगे ना। तो बैंक को हमने काम दे रखा, भाई साहब हमारा इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेना, तो मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ाएगा या घटाएगा? अब बताओ इस बात की खबर किस बेचारे को पहले पता चलेगा, कैश बुक के अकाउंटेंट को या पासबुक वाले को? पासबुक वाले ने क्या किया, क्या किया? प्लस। कैश बुक वाले ने कुछ भी नहीं किया, इसको तो खबर ही नहीं है, नालायक है तुम्हारी तरह। सर लेकिन ये कैश बुक कैसा होता है, मतलब हमारे पास बैंक से पासबुक मिलती है ना? पासबुक आपको जो मिल रहा होता है बैंक से बेटा, उसमें आप लिखते हो क्या? कौन लिखता है? तो वो तो प्रिंट करके बस दे रहा है कि भाई मैंने लिखा है। कैश बुक आप बनाते हो ना घर पे बैठ के ऑफिस में, वो होता है कैश बुक जो आप बनाते हो। तो कैश बुक के अकाउंटेंट को खबर है क्या? वो लिखेगा क्या कि इंटरेस्ट आया बैंक में? अब मुझे बताओ कैश बुक को अगर पासबुक की तरह बनाना है तो क्या करेंगे? कितना? 2000 प्लस कर देंगे। आओ जी गुरु जी यहाँ पे प्लस करेंगे। लाइन बताओ क्या लिखूं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाई बैंक, कलेक्टेड बाई बैंक। उतना ही बोला करो जितना मैं लिखा करूं, कहानियां कुछ भी पढ़ रहे होते तुम। सर वो कलेक्टेड है सर, कलेक्टेड उसके बाद बाई लिखा है सर, ज्यादा चिपक गया मोहब्बत में। वैल्यू बताओ कितना है, 2000 प्लस में ही लिखना था ना। चलो जी सेवेंथ पे आ जाते हैं अब। नहीं 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 ये मैं पढ़ूंगा सर, ऐसे थोड़ी ना होता तुम पढ़ोगे कुछ। कैश डिस्काउंट अलाउड 200। देखो आपने कैश बुक का चैप्टर पढ़ा था, और नहीं पढ़ा तो छोड़ो उस बात को यार। 200 रुपये का डिस्काउंट आपने कस्टमर को दिया, और उसको बताओ जब 200 का डिस्काउंट किसी को देते हैं क्या उसके बदले में पैसा आता है? क्या पैसा जाता है? नहीं जाता। और अगर कैश बुक हम बना रहे हो तो उसमें कहीं पे लिखते हैं क्या? नहीं लिखते, ना कैश कॉलम में ना बैंक कॉलम में। अब दूसरी बात फिर से समझो कि कैश डिस्काउंट में अगर आपने डिस्काउंट दिया किसी को 200 रुपये का, कैश डिस्काउंट का मतलब है उसने पैसे दिए थे इसलिए डिस्काउंट दिया है आपने, आपने 200 रुपये नहीं दिए किसी को, ना 200 रुपये आपको मिला है। बात समझ में आ रही है ना, उसने पैसे आपको दिए थे इसलिए आपने क्या करा है, उसको डिस्काउंट दिया है। तो ये डिस्काउंट की वजह से क्या आपका बैंक, आपके हिसाब से आपका बैंक बढ़ जाएगा क्या? तो यहाँ पे अकाउंटेंट, तुम नालायक जो हो ना, वो अकाउंटेंट, उन्होंने बोला 200 रुपये वॉज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। कैश बुक में दो कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम का बैंक कॉलम होता है, एक डेबिट साइड होता है, दूसरा डेबिट साइड में बढ़ता है या घटता है? और क्रेडिट साइड में? तो डेबिट साइड में जो बढ़ता है उसमें बढ़ा दिया आपने 200 रुपये, लिख दिया डेबिट साइड में जाके। बताओ नालायक, ये देखो इसने क्या किया, कैश बुक का अकाउंटेंट अब पासबुक का अकाउंटेंट, डिस्काउंट को लिख दिया, इसने लिखा या इसने लिखा? क्या लिखा, प्लस में लिखा या माइनस में? क्या लिखा? प्लस में। कितना? इस बेचारे ने ऐसी कोई गलती करी? अब बताओ ये इसकी तरह बनना चाहता है, बताओ कैश बुक पासबुक की तरह बनना चाहता है या पासबुक कैश बुक की तरह? कैश बुक। तो बताओ कैश बुक को पासबुक की तरह बनाने के लिए क्या करें, क्या करें? माइनस 200। तो सर यहाँ पे माइनस में 200 लिख देता हूँ। अब जो लाइन है ना वही चिपका देना जो है क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ था? कैश डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्डेड, ऐसे सिंपल सा करना चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बस इतना भी लिख दो काम चल जाएगा कि भाई गलती से कैश बुक में लिख दिया था। समझ में आई बात?
अब देखो इसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये समझ में आया बेटा? इसे रट नहीं सकते आप बैठ के, आप बैठ के एक एक लाइन को रटोगे, पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखोगे कि इसका क्या किया था सर ने, उससे कुछ नहीं होगा। इसके लिए सबसे मेन चीज़ है ये बनाना आपको आना चाहिए। आप कैशबुक पासबुक को दोनों को सामने रखो, पूछो भाई साहब आपने क्या किया, इसने बोला जी मैंने तो माइनस किया था। आप इसको पकड़ के लाओ, बोलो भाई तुमने क्या किया, इसने बोला जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। बोला अच्छा ठीक है चलो मैच करते। यहाँ पूछना पड़ता है, जैसे मैंने कैशबुक के अकाउंटेंट से पूछा भाई ये जो 200 रुपये कैश डिस्काउंट था तुमने कहाँ लिखा, इसने बोले जी मैंने प्लस में लिख दिया। मैंने दूसरा अकाउंटेंट को बुलाया, इधर आ भाई बैंक वाले तुमने कहाँ लिखा, उसने पासबुक दिखाया, जी मैंने तो लिखा ही नहीं। अब मुझे मैच करना है दोनों को बैठ के। आप सिंपल से ये समझ लो BRS एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें दो बंदों की कॉपी बैठ के मिला रहे हैं कि यार 200 रुपये तूने कहाँ लिखा है, और मैंने प्लस में लिखा है, तूने सर मैंने लिखा ही नहीं, तो लिख। समझ में आई बात? तो ये चीज़ कर रहे बैठ रहे हो और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे दो अलग अलग अकाउंटेंट ने क्या क्या काम किया था वो हम देख रहे थे, ठीक है सर। अब क्या करें सर? सर दोनों साइड का टोटल करेंगे, क्या करेंगे सर? टोटल कर देंगे। जो ज्यादा होगा, आपको याद है ना बैलेंस करना आता है अकाउंट का, जो ज्यादा होगा उसको कौन सी साइड लिखना है? दोनों साइड लिखना है। तो पहले टोटल करेंगे, फिर ज्यादा वाले को दोनों साइड लिखेंगे, ज्यादा में से कम वाले वैल्यू को क्या करेंगे? माइनस। पहले क्या करेंगे? टोटल। बोलो सर क्या करेंगे पहले? एक साइड को, दोनों साइड को? जो ज्यादा होगा उसे कहाँ लिखेंगे? जो ज्यादा होगा उसे दोनों साइड लिखेंगे, फिर ज्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे। जो बैलेंस आएगा उसे कहाँ लिखेंगे? जहां कम होगा उस साइड लिख देंगे। बैलेंस तो हमेशा उसी साइड लिखते हैं जिस साइड कम आ रहा होता है। तो फटाफट इतना नोट करो, फिर मैं बैलेंस करके दिखाता हूं आपको। करो नोट करो बेटा, ये इस लाइन में जितना होता है सब ऐड करेंगे ना, ऐसा वैसा कोई कानून है कि जब टोटल करना हो तो एक किसी को छोड़ सकते हैं सर? गुरु जी नहीं, सब ऐड करेंगे, उस कॉलम में जितना है सब ऐड करेंगे, ऐसा नहीं इसे छोड़ दें आप। सर सब ऐड करेंगे। ये ऐसा बच्चा है जब मैं इसे कहता हूँ ना कि जो वो बंदा दिख रहा है वो नालायक है, तो ये कहता मेरा भी बता दो थोड़ा सा सर कि मैं कौन हूँ। अरे बेटा मैंने बोला सब ऐड करेंगे, तो बोला इसका क्या होगा, फिर बोलेगा इसका क्या होगा, सब ऐड होगा। क्या लिखा हुआ उस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर में सब ऐड होगा। बता बेटा कितना हो गया? तो मेरे हिसाब से यही ज़्यादा वाले साइड है, तो 28,500 दोनों साइड लिखना है ना भाई। दो चीजें मैंने बताई थी, जो ज्यादा होगा उसको दोनों साइड लिखना है, ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो, ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर दो। बताओ सर कितना आया? सही से किया था? भाई इधर आ गया 14,000, कितना है सर? अब इधर ध्यान दो प्लीज़, इधर देखो, इधर 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 ये माइनस करके आ गया, बिना कैलकुलेटर के कुछ कर लिया करो नालायक, बंद करो सर। कंफर्म होना चाह रहे। चलिए इधर देखिए, अभी क्या करना है गुरुजी? अभी ये करना है सर कि ये जो बैलेंस है ना, ये जो आंसर आया है वहाँ पे जाके क्या लिखना है। इतनी देर से हम कैश बुक को किसकी तरह बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो अब ये लिखेंगे जो लाइन ऊपर लिख रही है ना, उसी को इज्जत से अपन यहाँ लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक, और यहाँ जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सुना सर? कोई डाउट इसमें? नहीं। तो ये लाइन कहाँ से आई बेटा? कैशबुक को हमने पासबुक बनाया, बैलेंस एज पर पासबुक सेम टू सेम लिख देंगे। ये हमने बैलेंस निकाला है, ध्यान रखना। कर लोगे? तो इस क्वेश्चन को एक बार अभी किया, अब ऐसे ही मत रुक जाना, इसको दोबारा करना खुद से, एक बार सेल्फ करने की कोशिश करना। जब तक सेल्फ नहीं करो आगे नहीं बढ़ना, एक बार खुद से करके देखो कि मेरा आंसर ऐसे ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता लगा आपने एक क्वेश्चन देखा फिर दूसरा क्वेश्चन करने लग गए, वो नहीं करना है सर। पहले ये करा आपने, इसी को सेल्फ खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इधर ध्यान दो, इसको इस क्वेश्चन के आगे इसके नीचे ये लिख लो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसी क्वेश्चन के नीचे इस बात को भी लिख लो, सारी बातों को फटाफट ऐसे पॉइंट डाल डाल के लिख लेना, ठीक है सर? नालायक हो ना एक नंबर के, इसको भी उतार दोगे, ये मत उतार लेना, बाकी पॉइंट्स करके उतारना बस।